हरियाणा में 2018 में विकल्प संस्था द्वारा सुपर 100 कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 9वीं व 10वीं के छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग दी जाती है। एग्जाम पास करने वाले छात्रों को 11वीं व 12वीं की कक्षा के साथ साथ आईआईटी और जेईई के एग्जाम की कोचिंग दी जाती है। अम्बाला में 2018 में 4 छात्र सुपर 100 में शामिल हुए थे। उन्होंने आईआईटी और जेईई की परीक्षा पास कर ली है और उनका एडमिशन देश के मुख्य संस्थानों में हो गया है। आज जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इन चारों होनहार छात्रों को सम्मानित किया गया। जिसके बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि आज अम्बाला के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे सुपर 100 के माध्यम से आईआईटी और जेईई की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया है। जैसा कि हमारे जिले से अम्बाला से 4 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं एनआईटी में, आईआईटी में, तो उन सभी के लिए हमने आज सम्मान समारोह रखा था। इन सभी की कोचिंग नवीन मिश्रा जी के इंस्टीट्यूट द्वारा करवाई गई है, जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा जो मदद की जाती है बच्चों की, वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ और रहने का खाने का सभी बंदोबस्त हरियाणा सरकार द्वारा किया जाता है, पढ़ाई का भी। और मेहनत नवीन मिश्रा जी ने बहुत करी है इन बच्चों पे। टोटल अगर देखे जाएँ तो इस साल हमारे 21 बच्चे आईआईटी या एनआईटी में गए हैं, जो सुपर 100 का जो कार्यक्रम है उसमें से, और 16 से 17 के करीब में मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे वो। सुपर 100 के माध्यम से आईआईटी और जेईई की परीक्षा पास करने वाले छात्रों ने बताया कि सुपर 100 कार्यक्रम ने उनकी जिंदगी बदल दी है, जिसके लिए वो हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं। मैंने जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दिया था, जो कि आईआईटी के एडमिशन के लिए होता है, और मुझे सबसे पहले एक एग्ज़ाम वो और हुआ था, जिसमें सुपर 100 प्रोग्राम के तहत मेरा सिलेक्शन हुआ था। वहाँ मुझे एग्ज़ाम के लिए फ्री कोचिंग, फ्री रहन सहन, सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। उसके बाद अब मैं आईआईटी रोपड़ में पढ़ रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। मैंने 2018 में सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम सुपर 100 के तहत एक एग्ज़ाम दिया था, जिसके बाद मेरा चयन हुआ, और मेरा चयन होने के बाद मेरे को चंडीगढ़ में निःशुल्क पढ़ाई और रहने सहने का बंदोबस्त कराया गया। आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, उसके लिए मैं हरियाणा सरकार एवं अपने अध्यापकों का बहुत बहुत धन्यवाद कर चाहता हूं। जेईई एडवांस क्रैक करने के बाद मेरे को एनआईटी कैलिकट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिली है।